झांसा देकर नागपुर शहर के ताजबाग और हसनबाग परिसर के कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी राजी कुरैशी की जहां पुलिस महज तलाश में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर यह आरोपी अपने साथियों के साथ संपर्क में लगातार बने रहकर उन्हें आश्वासन दे रहा है। इसके सबूत के तौर पर सुनिए ये ऑडियो क्लिप। भाई मेरे दरवाजे घर के सब तोड़ डाले भाई, मैं अभी तक अभी होटल का बिल नहीं दिया, मैंने सब बांट दिया, तुमने दिए थे गाड़ी घोड़ा भी सब बेच के बांट दिया भाई, मैंने सब बांट दिया और अभी तक होटल में फंसा हूँ भाई। इस ऑडियो क्लिप में जो बेखौफ आवाज बड़े ही आत्मविश्वास के साथ व्यक्ति को आश्वासन दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि फरार आरोपी राजी कुरैशी की आवाज है, जिसका अता पता अब तक पुलिस को नहीं लग पाया है। पर यह आरोपी इस ऑडियो क्लिप में अपने इस धोखाधड़ी के षड्यंत्र में पार्टनर रह चुके अन्य एजेंट दिलीप से बात कर रहा है। दिलीप जो कि खुद लोगों को इस धोखाधड़ी में फंसाया करता था, वो खुद राजिक से रोता बिलखता पैसों की भीख मांग रहा है। कैसा करते? हाँ बोलो भाई। हाँ बोलो भाई, ना मालूम है कि ये पूरा छुटकारा 15 दिन के अंदर मैं कर दूंगा। अच्छा बोलोगे नहीं, बस थोड़ा सा चंद दिनों की प्रॉब्लम और है। हाँ। बस इतना सा बोल रहा हूँ, उसके बाद में पूरा तुमको खुद ही पता चल जाएगा। तो इतना फोन पैक बताता नहीं मेरे को, वकील को भी पैसे वैसे देना है भाई, मेरा जवाई वाई बेटी भी फांसी दे रही थी, सब कैसा हुआ राजीव भाई, बहुत महीने हो गए, कुछ तो भेजो, मैं कुछ तो हल्का। हाँ तुम्हारा मेरे को ना मालूम है क्या? हाँ तुम्हारा मालूम है क्या? हाँ तुम बस अभी 10-15 दिन हिम्मत मत तोड़ो। इस ऑडियो क्लिप में आप भी साफ साफ सुन सकते हैं कि किस तरह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आरोपी राजी कुरैशी एजेंट दिलीप को कह रहा है कि महज 15 दिनों में वो सारा छुटकारा कर देगा। आरोपी राजिक दिलीप से कहता है कि महज चंद दिनों में ही तुम देखोगे कि तुम्हारा मालिक तुम पर किस तरह रहमत बरसा रहा है। अब ये रहमत किस तरह की है ये तो महज आरोपी राजिक ही बता सकता है। बहुत मेरी बेल बेल भी जमानत वाकई भी लटकी हुई है, उधर पैसे भी देना है, कुछ नहीं होता उससे, वो पास हो या फेल हो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सब कुछ मेरे हाथ में, जब मैं सब एक बार मीटर से निजात पा लूंगा ना तो उसका काम 2 मिनट में कर लेंगे अपन, टेंशन नहीं है। बहुत लेकिन मैं कैसा इधर बहुत परेशानी में फंसा हूँ, बहुत। देखो एक ही बात बोलता हूँ। हाँ बोलो। तुम मेरी वाले नाना को मानते हो? हाँ बहुत दिल से ना। हाँ तुमको नहीं माना के बहुत बहुत तुमको नहीं माना के बहुत तुम्हारे को बता रहा हूँ मेरी वाले नाना की कसम, तुम्हारे दामन का दाग जो ये है ये बहुत जल्दी नहीं पड़ जाएगा, कुछ चंद दिनों में, महीना भी नहीं लगाऊंगा, बहुत एक महीना भी नहीं लगाऊंगा, ये मेरा वादा है, बस इतना से कर लो, बस तब तक कर सबको, अपने बच्चों को और अपने आप को सलामत रखना। बहुत मेरे चोरी चोरी से जवाई के अकाउंट में उधर कुछ डाल दो, बहुत वो बहुत परेशान है जवाई भी, घर छोड़ के जा रहे थे, मैंने समझाया वो भी 2 दिन पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को दिलीप भाई, वन शॉट में एक ही बार में हिसाब खत्म करके देता हूँ। देखो बहुत बहुत बड़ा हिसाब है, एक बार में कैसा हूँ, बहुत बहुत बड़ा हिसाब है मेरा, मैंने 5-5 रुपए। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। क्या बोल रहा हूँ, बड़ा हिसाब भी है ना तुम्हारा। हाँ बोलो। हाँ करोड़ों में ना, मैंने उतना पूरा हिसाब लगा लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक साथ धरतीयों का। आपको बता दें कि इस धोखाधड़ी के मामले में दिलीप पर भी मामला दर्ज किया गया है और हाल ही में दिलीप ने बचाव में कोर्ट में एंटी सेफ्टी बेल दाखिल की थी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज भी कर दिया और आरोपी अब अदालत और वकीलों के भी चक्कर काट रहा है। पर जब एजेंट दिलीप ने इस बारे में राजिक से बात की तो इस पर राजिक ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत मेरा क्या किया, कैसा शॉर्ट हो रहा मेरे मर्डर करने की तैयारी में, कैसा कैसा सुनने में आ रहा, मैं पगला हो गया बहुत। अरे वो सब फालतू की बात है, तुम उन लोगों से कनेक्ट ही मत रहो और खबर ही मत लो वहाँ की। अरे तुम्हारे बारे में भी लोग बोल रहे ना राजीव भाई, दिलीप भाई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे, MD मैंने इतना पैसा दिया, दिलीप ने खा गया, दिलीप के लड़कों ने खा गए, ये पैसा मेरे को कब दे। हाँ बोलो। चंद दिनों के बाद में लोगों को अपनी नियत जब पता चल जाएगी वो खुद ही खामोश हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। मैं तो आपसे खाली बात ही करना चाह रहा हूँ, बहुत बस वैसे बात करते रहो, पैसा तो हो जाएगा। हाँ बात सही है, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा बहुत आपका, मेरे साथ क्यों ऐसा एक दिन नहीं रहते थे फोन मारे बिना। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। हाँ बोलो।
ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे को बिगना है और ये नहीं होनी, ये चंद दिनों के बाद में ना प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तक का सब्र रखना। और अगर ऐसा कुछ रहता और लंपन करना रहता तो मैं बोलता दिलीप भाई 50 लाख 1 करोड़ रुपए पकड़ो और तुम अपना परिवार लेके यहाँ से गायब हो जाओ, अपने को भागना पड़ता है, ऐसा लंपन है अपनी कुवत नहीं है। मैंने लेकिन अगर ऐसा रहता तो बोलता मैं तुमको पहले से बता देता, तुम्हारे मेरे बीच में तो ऐसी दूरी थी नहीं, बहुत मेरे को इतना बड़ा कुवत नहीं होती तो मेरे को इतना बड़ा मर्तबा दिए, मैंने हर मर्तबा आपके साथ निभाया, बोल 5-5 हजार के लिए मेरे लड़कों से लड़ लड़ के हिसाब दिया, एजेंट दिलीप काफी डरा सहमा हुआ है और वो कह रहा है कि गुस्साए लोग उसे जान से मारने तक की भी साजिश रच रहे हैं। पर मुख्य आरोपी राजीक जिसे किसी भी बात का भय नहीं है या फिर पुलिस और कानून का भी जिसे कोई भी डर नहीं है, आप भी सुनिए किस तरह वो निडर होकर दिलीप को आश्वासन दे रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पुलिस वालों का ऑनलाइन पैसा है, वो बहुत परेशान कर रहे हैं वो पुलिस वाले, उनका पैसा डाल जान को परेशान मत करो, मैं बोल रहा हूं 100% का वादा है मेरा, चंद दिनों के अंदर अभी तुम्हारी बलाएं खत्म होंगी, बस 10-15 दिन और ये तकलीफ झेल लो। बहुत मेरे को घर जाना है, बहुत बहुत परेशान हूँ, मेरे बाल बच्चे से सब बार बार हूँ मैं, उसके बाद में तुम्हारा एक बार लेन देन खत्म हुआ ना तुम्हारे को क्या मालूम, मेरे को पैसा तो भिजा बहुत, मैंने गाड़ी घोड़े सब बेच डाला, बहुत बड़ा हिसाब है, मेरे को जल्द से जल्द पैसे भिजा, मेरा मोनू हम बहुत भूखे मर रहे हैं बहुत, अब मैं क्या बोलूँ, तुम बेचते बेचते बोले अभी तक होटल वाले ने नहीं छोड़ा। अरे मैं उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कोई टेंशन मत लो, उसके पीछे कुछ रीजन है, मैं भी कुछ कहीं पे भी थोड़ा सा हूं। अब यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि यहां पुलिस अधिकारियों का भी जिक्र किया जा रहा है, उनके भी पैसे लौटाने की बात दिलीप कह रहा है। सोचिए आप भी कि ये आरोपी कितना शातिर होगा और किस तरह लोगों को विश्वास में रखा होगा कि ना केवल आम लोग बल्कि पुलिस भी राजीक के जाल में फंसकर धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है। अकाउंट में डाल दो बॉस प्लीज, किसके भी हाथ से, मैं यहाँ से तो निकलू, ये इन्होंने पकड़ के रखे, यहाँ से तो निकलू, इनका कितना बिल हो गया, मैंने सब बेच डाला बॉस, सबका दे दिया, तुमने जो दिए थे ना वो भी, रुको सुनो तो सुन तो लो। आरोपी राजीक कुरैशी पिछले कई महीनों से फरार है, ना तो आरोपी को पुलिस पकड़ पाई है और ना ही आरोपी का कोई भी सुराग पुलिस के हाथों लगा है। पर राजीक और दिलीप के बीच चल रही इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि आरोपी लगातार अपने एजेंट्स के संपर्क में है। फिर किस तरह राजीक अब तक पुलिस के हाथों नहीं लग पाया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लोगों को अब तक विश्वास था कि पुलिस आरोपी को पकड़कर उन्हें इंसाफ जरूर दिलाएगी, शायद इसीलिए लोग सामने नहीं आ रहे थे, पर अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि यह मामला आगे और कौन सा मोड़ लेगा और कब तक आरोपी राजीक पुलिस के चंगुल से बाहर रहेगा।